सो विल टॉक अबाउट प्रोजेक्ट कैटलॉग्स, और इसके साथ मुझे करना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाऊंगा प्रोजेक्ट कैटलॉग होता क्या है, पहले मैं समझाऊंगा। एक तो होता है आपका पोर्टफोलियो, राइट? एक आपका पोर्टफोलियो होता है, एक आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग होता है। ये अपवर्क में बाद में फीचर आया था। पोर्टफोलियो हो गया ना आपकी एक आइडेंटिटी, क्लाइंट आया, उसने आपका स्टोर वगैरह देखा, हो गया। प्रोजेक्ट कैटलॉग पता क्या है? कभी आप सुपरमार्केट में गए हैं जहां उन्होंने 5 किलो प्याज पैक करके रखे होते हैं और ऊपर लिखा होता है इतने के हैं, दैट्स अ प्रोजेक्ट कैटलॉग। आप अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी लगा देते हो जो आपने बनाया है, उस पर प्राइस, डिटेल, टाइटल, फंक्शनैलिटी, डिफरेंट पैकेज बना देते हो, ये 5 किलो का, ये 2.5 किलो का, ये 2 किलो का, राइट? क्लाइंट आता है, ज्यादा बहस नहीं करता, उसको पता है पैक हुए पड़े हैं, साफ सुथरे हैं, मैं ले जाता हूँ, राइट? और उसके अंदर बहुत सी और चीजें, छोटी 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 चीजें आती है जो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। तो क्लाइंट के पास आप नहीं जा रहे, क्लाइंट आपके पास आ रहा है, कोई निगोशिएशन नहीं हो रही, उसको पता है ये 2.5 किलो का पैकेज है, इतने का उठाएगा चला जाएगा, आपका मेंटली आपका टाइम बचता है। नाउ हियर मी आउट, खुदा के लिए किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट उठा के कैटलॉग में ना लगा देना। ये आपके अपने प्रोडक्ट्स की बात है, प्रोजेक्ट्स की नहीं, प्रोडक्ट्स की बात है, जो आप खुद से डिजाइन करके, डिवेलप करके, खुद से बनाते हो, आप उसको बेचते हो, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, अब लगता है हमें सीट लेनी पड़ेगी। सो दैट्स माय पोर्टफोलियो, राइट? मैं आपको कोई रैंडमली एक पोर्टफोलियो ओपन कर लेते हैं, कोई एक जो मैंने बनाया हुआ है। दैट्स माय ओन प्रोडक्ट, लेकिन मैंने उसको अपने पोर्टफोलियो में भी लगाया हुआ। सो क्विकली मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने किस तरह से इसको डिजाइन किया, राइट? और इस पे ये सारा वो काम है जो मैं कर चुका हूँ, आगे मैंने लगाया हुआ है। और मैंने 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट किए हुए, मैंने 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट यहाँ नहीं डाले हुए, मैंने एक सर्टेन नीश को टारगेट कर रहा हूँ कि यार मैंने एक सर्टेन डायरेक्शन में काम करना है और उससे हटना नहीं है, तो मुझे उन चीजों का ख्याल रखना होता है, इसलिए क्लाइंट को मैं कंफ्यूज नहीं करता, एंड दैट्स माय प्रोजेक्ट कैटलॉग, राइट? अब इसमें प्रोजेक्ट कैटलॉग में देखिए क्या है, 20 डेज डिलीवरी, क्या भाई 20 दिन में मैं ये आपको डिलीवर करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000, मैं उसको, क्लाइंट आएगा व्यू करेगा जी $15,000 का ये प्रोजेक्ट है, तो दिस इज व्हाट आई हैव डन हियर। सबसे पहले मैंने उसको बताया कि यार 3 पैकेज दिए ताकि क्लाइंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी, अगर किसी को 5 किलो प्याज नहीं चाहिए तो 2.5 किलो का पैकेट तो बना के रख दो ना मार्केट में, सबके पास, सबकी फैमिली 5 किलो वाली नहीं होती ना। सो मैंने 2.5 किलो का पैकेट बनाया 15,000 का, फिर थोड़ा उससे हैवी 20,000 का, देन 25,000 का। ये क्रिएट आप कैसे करते हैं मैं आपको स्क्रीन शेयर पे दिखा देता हूँ। और ये पैकेजेस बनवाने के बाद मैंने उसको बताया जी डिलीवरी टाइम इतना है, नंबर ऑफ रिवीजन मैं आपको करके दूंगा एक, पहले डिसाइड कर रहा हूँ कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे और उसमें कुछ छोटे मोटे डिजाइन के चेंजेस होंगे, मैं आपको एक रिविजन करके दूंगा। और एक बात मैं आपको समझाता जाऊँ, आप अब वक्त पे मेरी जरा सी नखरे वाली टोन देखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एंड पे जाकर थोड़ा एटीट्यूड लाना होता है, वो स्टार्ट में अच्छा नहीं होता। आप वहां पे 10 रिवीजन लिख दें, खैर है, मेरी वाली गलती नहीं कि सर ने एक लिखी थी, मैंने एक लिखनी है, वो जहां एटीट्यूड का एलिमेंट नजर आए ना, वो थोड़ा आप इग्नोर कर दिए, क्योंकि एक डॉक्टर सर्विस स्टार्ट कर रहा होता है सेटअप, और एक डॉक्टर जो होता है ना वो, हाँ, सर्जन बन जाता है, तो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन आप वो गलती शुरू में ना कीजिएगा, प्लीज कॉपी नहीं करना, मुझे समझना। सो नंबर ऑफ रिवीजन मैं यहाँ बताइए कि प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर क्या होती है, कितनी दूंगा, सोर्स कोड दूंगा, सेटअप फाइल दूंगा, डिटेल कोड दूंगा, 20 डेज डिलीवरी है, डिलीवरी टाइम मैंने उसको दिया हुआ था, और साथ में एक ऑप्शन होती है कस्टम वर्क। क्लाइंट आके आपको रिक्वेस्ट भेजेगा कि यार मुझे ना 5 किलो का थैला चाहिए, ना 2.5 किलो का, ना 1.5 किलो का, मुझे 1 किलो का चाहिए, या मुझे 3.5 किलो का चाहिए, राइट? तो वो भी रखे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको सिर्फ कैटलॉग नहीं सिखा रहा, इस पूरी जो अभी 5 मिनट मैंने बात की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई मुझे बता सकता है एक लाइन में? फ्लेक्सिबिलिटी दी है क्लाइंट को, ऑप्शंस दिए हैं क्लाइंट को, हमेशा आप क्लाइंट को बाउंड नहीं करते, चाहे आप प्रपोजल लिख रहे हैं, चाहे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं, बाउंड नहीं करते क्लाइंट को कभी। सो ये आपके फीचर जो हमें फॉलो करना पड़ते हैं, ऑब्वियसली 70, अच्छा ये तो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि हुआ आई एम, कुछ पिक्चर्स मैंने डाली, इधर मैंने जो पिक्चर्स डाली उसके अंदर मैं कुछ अपने फीचर्स बताता हूँ। नीचे गया मैं प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर, मैंने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन डाली मिनिमलिस्टिक,
और ये जरा देखें, मैंने कहानियां नहीं बताई, मैंने अपने मॉड्यूल्स के सीधे सीधे नाम लिखे हैं, स्टोरीज नहीं है, ये सीधे सीधे नाम है जो मैंने बताया कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। उसको बताया कि टेक स्टैक क्या है, इसका टेक स्टैक क्या होता है, जिसको ना पता तो बता दे मुझे। टेक स्टैक बेटा ये होता है कि कोई भी सिस्टम जो है ना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी से मिलकर बनता है, जिसमें फ्रंट एंड पे बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, बैक एंड पे बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, डेटाबेस कौन सा लगाया हुआ है, वो सारा कुछ मिला के जब हम बात करते हैं ना, तो कहते हैं ये टेक स्टैक है। फॉर एग्जाम्पल इस सेशन का नाम रख दिया LCT, उसमें फ्रीलांसिंग का तो बताया नहीं, उसमें ब्लॉगिंग का तो बताया नहीं, और पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को मिला के उसका एक नाम रख दिया LCT। इसी तरह से जो जो चीजें उसके अंदर हो रही होती हैं, डिस्क्रिप्शन में सब होता है, हम उसको टेक स्टैक कहते हैं, जो टेक्नोलॉजीज एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब क्लियर हुआ, बाद में भी आपको बताऊंगा मैं। सो फ्रंट एंड बताया मैंने, मोबाइल एप्लीकेशन का बताया, उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम सारी डिटेल मैंने दे दी। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई कि डिलीवरी टाइम क्या होगा, रिविजन क्या होंगे, सेटअप फाइल क्या होगा, वो सारा बता दिया। तो अब तक मैंने थोड़ा सा ना फाइबर का टच दिया था लेटली, तो काफी पुराना हो गया, कि अब आप क्लाइंट आएगा उसको सारा पता। इसमें चांसेस ये हैं कि जब वो आपको अप्रोच करेगा, होता क्या है मेरे साथ तो बहुत ही होता है, कुछ चार चार दिन दो दो हफ्ते क्लाइंट के साथ बात चल रही होती है, हम क्लाइंट में माइंड में लेके बैठे $20,000 का प्रोजेक्ट है, और एंड में कहते हैं मेरा बजट तो 2,000 है, वो अल्लाह के बंदे पहले दिन बता देता। अब शुरू में जरा पूछना भी रूड लगता है, उसका तरीका बताऊंगा एंड में मैं आपको। सो यहाँ पे वो सारी जो कम्युनिकेशन है वो आपकी पूरी स्ट्रीम हो जाती है, उसको पता है कि अगर मैं 15,000 पे क्लिक किया है तो ये बंदा 15,000 लेगा, और ऑप्शन तब तक नहीं आएगी जब तक कस्टम से नहीं आएगा। सो आप अपने कैटलॉग बना सकते हैं। मैं कैटलॉग को आगे इसलिए नहीं लेके चलूंगा कि आप लोग नए हो, अभी आपको टाइम लगेगा अपना प्रोडक्ट बना के, टेस्ट करके, डिजाइन करके, वैलिडेट करके, डॉक्यूमेंट करके बनाना, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि होता क्या, राइट? सो कैटलॉग के अंदर जैसे मैंने कहा ये सारे मेरे प्रोडक्ट नीचे लगे हुए हैं, और उनके ऊपर जो रिव्यूज आए हुए हैं वो रिव्यूज वगैरह सब कुछ नीचे जो है ना उनके दिए हुए हैं। सो और बाकी जो अपवर्क के एल्गोरिथम है वो देखता है। तो विल गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन जहाँ पे हम प्रोजेक्ट कैटलॉग की बात कर रहे थे। अब मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड पे समझा दूं। प्रोजेक्ट कैटलॉग इज एन एक्सीलेंट वे टू अर्न ऑन अपवर्क, गिविंग यू द ऑप्शन टू हैव क्लाइंट्स कम टू यू, क्लाइंट आपके पास आते हैं। बाकी आगे जो लिखा है मैं ऑलरेडी आपको आपके लैंग्वेज में समझा चुका हूँ। थोड़ी मुझे इरिटेशन होती है PPT से पढ़ पढ़ के आपको सुनाने में, ये इख्तलाफ मेरा मेरे प्रोफेसर से भी रहता था, क्या रियलिस्टिकली बात करें PPT से तो हम भी पढ़ लेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, प्रोजेक्ट कैटलॉग को सेटअप करने का तरीका अभी मैं आपको स्क्रीन शॉट्स में भी दिखा देता हूँ, प्रीटी सिंपल। जो वैल्यूज एंड में दिखा रहा था वही आप डालेंगे। एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट कैटलॉग मेरे ख्याल में मैं आपको सारे बता चुका, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन ग्रेस पीरियड, कि अगर किसी ने कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो एक ग्रेस पीरियड होता है, आप उसको विद इन 24 आवर्स कैंसिल कर सकते हैं और आपकी जॉब सक्सेस रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैंने जॉब सक्सेस रेट की बात की, कई लोगों को नहीं पता होगा, कोई ऐसा वर्ड मेरे मुंह से निकले जिस जो वर्ड आपके लिए एलियन हो, फौरन हाथ खड़ा करें, फौरन, उसके लिए मार्जिन है, ऐसा वर्ड आगे जाने ना दें। क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इस तरह से इसको अरेंज करूं कि जब मैं इसकी बात करूं तो पिछला वर्ड क्लियर होना चाहिए। जॉब सक्सेस रेट क्या होता है कितने लोगों को नहीं पता। अच्छा, होता ये है कि अपवर्क हो, सब पोर्टल पे ये होता है, आपका जो जितने प्रोजेक्ट आपने फेल किए, जितने प्रोजेक्ट क्लाइंट अधूरे छोड़े, जितने क्लाइंट नाराज हुए, और जितना परफेक्ट काम किया, कुल मिला के एवरेज निकाल के बता रहे थे कि आप 100% अच्छा काम करते हो, 90% अच्छा काम करते हो, 80% करते हो, और क्लाइंट सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर वीडियो के बाद जो चीज़ उसको तसल्ली देती है वो आपकी जॉब सक्सेस रेट है। आप कोई भी बड़ी चीज़ लो तो आप उसके रिव्यूज़ देखते हो ना, तो रिव्यूज़ की तरह रिव्यूज़ का ये पार्ट है, तो जॉब सक्सेस रेट जो हमेशा आपकी हाई होनी चाहिए, राइट? तो इससे क्या होता है कि आप अगर प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हो, गए यार क्लाइंट ने $15,000 में मांगा, या आपका माइंड बदल गया, आपको लगा कि ये $30,000 का था, आप उसे नहीं देना चाहते, तो कैटलॉग में जाके आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। ये बता इसलिए रहा हूँ कि कल को आप फंस जाएंगे और आपको देना पड़ जाएगा और आप ये डर के बैठोगे मेरी जॉब सक्सेस रेट तबाह ना हो जाए, नहीं होगी। अच्छा, मैं यू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट यू वांट एंड हाउ यू वांट, इसका खूबसूरत फीचर ये था कि आप अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे मैंने कहा एक काम करके देखें,
आप कोई फाइनेंशियल कैलकुलेटर बनाएं, कोई ग्रॉसरी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, खुद से सोचें, डिजाइन करें, डेवलप करें, अपने कैटलॉग में डाल दें, दिखता रहेगा फॉर्म का, कोई ना कोई तो आएगा, आ जाता है कोई ना कोई, ट्रस्ट में दुनिया बहुत बड़ी है, आपके बहुत क्लाइंट है, कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप जिंदगी में वो कर रहे होगे जो आप करना चाहते हो, जो आप इंजॉय कर रहे हो, दैट गिव यू द एबिलिटी। उसके बाद है जी हमारे पास फीडबैक रिमूवल, यू एंजॉय फीडबैक रिमूवल प्रिविलेजेस फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। अगर खुदा न खास्ता कोई बैड रिव्यू आ भी गया राइट, तो आपके पास लिमिटेड एक ऑप्शन होती है कि आप अपक से कहते हो यार ये रिमूव कर दे। वैसे फीडबैक क्लाइंट ने कोई बड़ा फीडबैक दे दिया, बुरा फीडबैक दे दिया, जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपके पास अच्छे क्लाइंट ही हैं। बाज़ुकात आप ठीक कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन क्लाइंट नहीं समझ रहा होगा, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, आपके पास इतनी सलाह नहीं कि हर क्लाइंट को हैंडल करो। कुछ लोग ऐसे अपवर्क पे होते हैं, वो मैं सिखाऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्लाइंट, किन से बचना है, किन को देना। तो आई होप कि तुम पहुंच जाओ। सो आपके पास अगर आ भी गया क्लाइंट तो आप फीडबैक एक रिमूव करा सकते हैं, और अगर आप टॉप रेटेड प्लस बन जाते हैं तो वहां पे भी होता है, जब मैं बैजेस पे आऊंगा तब मैं ये सिखाऊंगा कि तो जॉब सक्सेस रेट क्लियर है, प्रोजेक्ट कैटलॉग क्लियर है, प्रोजेक्ट कैटलॉग कब क्रिएट करना है, उसके क्या फायदे हैं, कि कैसे डिफरेंट पैकेजेस बनाने हैं, कब करना है, और उनके अंदर किन चीजों के लिए तैयार करनी है। ऑल क्लियर? ठीक है। सो प्रोजेक्ट ऐड करते वक्त आप जाएंगे, आप देखेंगे सिंपल। सो प्रोजेक्ट ओवरव्यू आपको देना है, जिसके अंदर आप इंटर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन डालेंगे, एक टाइटल डालेंगे, एंगेजिंग टाइटल डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ है, लेट्स से आप कहते हैं कि द किंग ऑफ ई कॉमर्स, राइट? डोंट टाइप किंग ऑफ ई कॉमर्स, उसके रियलिस्टिक नाम दें, टाइटल दें जो क्लाइंट को समझ में आए, जो आपके माइंड में है वो नहीं। वो टाइटल डालने के बाद नीचे कैटेगरी लाजमी सिलेक्ट करें। इस पे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप कैटेगरी रॉन्ग सिलेक्ट करेंगे या कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो कि मैंडेटरी रहेगा, अगर रॉन्ग कैटेगरी कर दी तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा। और अगर क्लाइंट आएगा तो ऐसा ही है जैसे आप मोबाइल फोन खरीदने के लिए मार्केट में गए और आगे किसी ने आलू रखे हुए, तो वो ऐसे रिफ्यूज करेगा आपके प्रोजेक्ट को जैसे आप मोबाइल फोन की मार्केट में आलू को पड़े हुए करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वहां पे आ जाएगी। ये हैं वो कैटेगरीज के, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, लाइफस्टाइल है, ये सारी। और ये आगे नीचे जो लिखा हुआ प्रो टिप मैं आपको पहले दे चुका हूं। उसके बाद इमेजेस गैलरी, अगेन विजुअल कॉन्टेंट, कवर फोटो जो मैंने आपको दिखाया, नाइस सिंपल क्लीन। अगर आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रेजेंटेबल है तो आप उसके स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो स्टॉक इमेजेस लो। स्टॉक इमेजेस वर्ड मैं तीसरी दफा यूज कर रहा हूँ, कितने लोगों को नहीं पता, ईमानदारी से बताइएगा, मुझे लगता है आधों को नहीं पता होगा। क्या होता है स्टॉक इमेजेस, आप बताएंगे मुझे स्टॉक इमेज क्या होता है? इंटरनेट पे सारी वीडियोस और पिक्चर्स स्टॉक इमेजेस नहीं होती बेटा। That's why I'm telling कि आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा मेरी बात करें, वरना मुझे इतना तजर्बा तो है कि जो मेरा मुंह से निकल रहा है वो कितने लोगों को पता है। I'm reading your eyes. So don't be hesitant, please. Otherwise, आप एक context develop नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अलिफ पे पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको माइंड डेवलप करने आया हूँ। और अगर एक वर्ड कहीं फंस गया ना तो समझे आपकी जो क्रिएटिविटी वो एक लेवल नीचे गिर गई। ये लाइसेंस इमेजेस होते हैं, इनकी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहां से जाके आप, उधर भी फ्री पड़े होते हैं लेकिन वो लाइसेंस्ड होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, कोई आप पे आके केस नहीं करेगा। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह कि आपको पता भी नहीं है फिर भी हाथ ऊपर नहीं जा रहा, और मैं पूछ भी रहा हूँ। दिस इज नॉट फेयर विद यू गाइज। कुछ रह जाएगा मैं बाद में कवर कर दूंगा। तो जी बात ना, मैं कह रहा हूँ आजो यार, आजो सीख लो, और आप कह रहे हो नहीं मैं हाथ खड़ा करूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज डोंट डू दिस। Moving forward, तो portfolio examples हैं। If non-visual, I use stock images, पहले बता जाता हूँ, बाद में पढ़ रहा होता हूँ। So preferred format देखें, JPG है, PNG है, under 10 MB 4:3 ratio, ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्यों जरूरी है? आप सबके माइंड में आ गया कि पता नहीं क्लाइंट लेगा या नहीं लेगा, ये क्लाइंट की प्रेफरेंस नहीं है। जब आप कैटलॉग पे प्रोजेक्ट बना के डालोगे, उसकी रिक्वेस्ट अपवर्क टीम को जाएगी, वो मैनुअली वेरीफाई करेगी, अदरवाइज रिफ्यूज कर देगी, रिजेक्ट हो जाएगा, जाएगा ही नहीं। और फिर आप रीजन ढूंढोगे, वो जनरल रीजन बताते हैं,
जब तक ये सारी चीजें मीट नहीं होंगी अपवर्क की टीम उसको पब्लिश नहीं करेगी। इट्स नॉट लाइक जो भी उठा के डालोगे चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो लोगों ने डाल कह देना था कि फेसबुक मैंने बनाया, शुक्र है कि पीछे रिव्यू करते हैं। अवॉइड अपवर्क लोगोस, इमेजेस, सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। अपवर्क का लोगो, या मैंने जैसे स्टार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्क्रीन में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज समटाइम रिफ्यूज होता है, समटाइम परमानेंटली ब्लैकलिस्ट हो जाता है। Be very careful. किसी को पता है NLP क्या होती है? Natural Language Processing, जरा out of the context चीज़ है। अच्छा, AI का एक मॉडल है जो textual information read करके फैसले करता है, जो images से भी text read करता है, वो आप जो chat में type करते हैं वो read करता है, आपके profile से read करता है, आपके description से read करता है, आपके proposal से read करता है, क्लाइंट जो आपसे बात कर रहा है उससे रीड कर, जो टेक्स्ट में आप लिखा जा रहा है उनका एक एल्गोरिथम एनएलपी में बना जो कंटिन्यूअसली आपको रीड कर रहा है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, उस पर वो डिसाइड करता है कि कौन सा बंदा जो है ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। जरा करना गूगल अगर मिले तो मुझे बताना। मूविंग फॉरवर्ड, उस पर मैं आगे बात करूंगा एनएलपी, जहाँ के कहाँ कहाँ एग्जैक्ट एनएलपी एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको क्लाइंट से बात करते वक्त कोई सोचता भी नहीं है, क्लाइंट से बात करते वक्त कुछ सोचता भी नहीं है कि अगर मैं क्लाइंट को कंटिन्यूसली 3 मैसेजेस में नो बोल रहा हूं तो आप समझ रहे होते हो तो ये तो सिर्फ क्लाइंट को और मेरा मामला है। नो, द सिस्टम इज वेरी एडवांस्ड नाउ। आई शो यू, एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जब हम इनवाइट्स में बात करेंगे, अगर भूल जाओ मुझे याद कराइएगा। सो आपने इमेजेस गैलरी सारी इमेजेस अपलोड की, उसके बाद रिविजन राउंड, याद है मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक रिविजन दूंगा, तो यहां से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप एक नहीं, आप 5-7 दे दें यार, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे, नीचे आएंगे, रीडेबल नहीं है, इसका है कॉन्सेप्ट्स, आप बताएंगे डेज ऑफ डिलीवरी, बताएंगे जो जो इंफॉर्मेशन मैंने कैटलॉग के स्टार्ट में दिखाई थी वो सारी यहां से ऐड हो रही है, नथिंग एलियन, और नीचे सारा कुछ मैं डिटेल में आपको पीपीटी भेज दूंगा। सो रिक्वायरमेंट फॉर द क्लाइंट्स, ये आपने एक और चीज है, जब आप अपना प्रोजेक्ट डालते हो, एक तो आप ये बताते हो कि वो प्रोजेक्ट में है क्या, वो वेबसाइट है तो क्या करती है, वो डिजाइन है तो क्यों बनाया गया, किस चीज में बनाया गया, वो गेम है तो क्या है। एक आपने ये लिखना होता है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के आपको क्लाइंट से क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपने एक वर्डप्रेस का पोर्टल बनाया, अब आपके पास ऑनलाइन सर्वर नहीं है या लिमिटेड है, उसके लिए आपको एक हैवी रेंडरिंग सर्वर चाहिए, अगर मेरे एल्गोरिथम लिखा तो आप क्लाइंट को बताएंगे कि यार इस सॉफ्टवेयर को जब आप खरीदेंगे तो डेमो के लिए मुझे आपसे एक रेंडरिंग सर्वर चाहिए होगा, मतलब एक सर्वर चाहिए होगा पावरफुल जिसके ऊपर मैं आपको डेमो दूंगा। तो आपने पहले बता दिया मुझे ये चीजें आपसे भी चाहिए, अगर आप नहीं बताते तो क्या होगा। ये तो ऐसा ही है ना कि मुझे किसी ने लाहौर से यहां बुलाया और आके कहा सर आप आ जाए एफिलिएट ब्लॉगिंग पे, ना आपका वो होने वाला है एफिलिएट मार्केट पे आपका सेशन है आज। मैं कहूंगा भाई लाहौर से क्यों बुलाया था, इतने बड़े बड़े चैंपियंस है उनसे करा लेते। I'll feel offended, insulting feel करो, client को कभी offend नहीं करते। Be very nice, जो चीज़ आपको चाहिए requirement section में catalog create करते वक्त वहाँ mention कीजिएगा। Okay, policies. Start में कहा था, example दी थी कि आप एक दुकान खरीदोगे, सामान डालोगे, marketing करोगे, clients बनाओगे, पैसा कमाना शुरू होगे, एंड में पता चलेगा वो तो दुकान ही लीगल है, वो तो जमीन ही किसी और के नाम की है। यार अपवर्क को आपने एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना है। मैं अपवर्क पे आया क्यों, किसी ने मुझसे सवाल पूछा नहीं, वैसे आपस की बात है आज तक नहीं पूछा। मैं आई वॉज अ वेरी गुड नॉट एक्सपर्ट नॉट बेस्ट, आई वॉज अ गुड इंजीनियर। तो जब मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना, जब मैंने रिजाइन किया तो अभी बड़े बस शॉप किया, अच्छा खासा तो चल रहा है, तुझे क्या मुसीबत बढ़ गई है। उस दिन ना एक दिन मैंने बैठ के कैलकुलेट किया कि भाई ना घर है, ना सवारी है, ना फर्नीचर है, अगर मैं 1,00,000 रुपया एक महीने में हर महीने 1,00,000 बचाता हूँ तो 10 साल बाद भी मैं अपना घर तक नहीं खरीद पाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं आई एम ऑफ ट्रैक, मुझे कुछ करना है। तो मुझे उस वक्त कोई एक चीज चाहिए थी कि ऐसी कि मैं कंपनी के लिए 18 घंटे काम करता था तब भी 1.5 लाख मिलता था, मैं 20 घंटे काम करूं 1.5 लाख, मैं सैटरडे संडे लगाऊं 1.5 लाख, खुशी में वो 10,000 20,000 ऊपर नीचे ऐसे देते थे जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, राइट।
तो मुझे समझ में है मैं तो जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। आई नीड समथिंग जिसमें मैं जितनी जान लगाऊं, जितनी ईमानदारी लगाऊं, जितना काम करूं ऊपर जाऊं। अगर मुझे घर में कोई मजबूरी है, मुझे ढेर सारे पैसे कमाने में ढेर सारा काम पकड़ूंगा, मैं ढेर सारे घंटे लगाऊंगा और मैं ढेर सारा काम करूंगा। एटलीस्ट हमेशा मेरे जहन में रहेगा आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ नॉट फॉर समवन एल्स। सो अपवर्क को जब मैंने बढ़ाता जाऊंगा, और मैंने उस वक्त सोचा कि 5 साल बाद मेरा अपवर्क जो होगा वो बहुत ऊपर चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे इन्वाइट्स आ रहे होंगे, मेरी टीम कर रही होगी। तो मैंने 5 साल का आगे का सोचा और मैंने उस वक्त रिस्क लिया, जॉब छोड़ी और $50 पे आ गया सीधा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं जब ये सारी पॉलिसीज को फॉलो करूंगा तो 5 साल बाद ये बचा हुआ होगा। अदरवाइज अब तक मैं 2-4 प्रोफाइल क्रिएट करने की कोशिश में, हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन हम से ज्यादा ट्रिकी है, कोशिश में खराब कर चुका था खुद को, राइट। तो मैंने हमेशा पॉलिसीज फॉलो की, हमेशा। और पॉलिसीज में मैं तुम्हें सिंपल आगे एक बात लिखूंगा, 2-4 चीजें यहां पे एनएलपी आएगी। गाइस आई नीड योर अटेंशन, बुकिश बात नहीं बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं। आप सारे पॉलिसीज फॉलो करके भी कभी किसी का प्रोफाइल ब्लॉक होते देखा? सर मेरा अपना हुआ था, मेरा आप क्लाइंट से चैट कर रहे होते हैं, उसको गोरा कह रहे होते हैं, काला कह रहे होते हैं, काफिर कह रहे होते हैं, हिंदू कह रहे होते हैं, इस तरह के वर्ड रेसिज्म जब आप डालते हो, आपको समझ भी नहीं आती, आपका प्रोफाइल नीचे चला जाता है और आप फिर मैसेज कर रहे हो तो सर सामने तो ऑर्डर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आप अटेंशन टू डिटेल नहीं देते। हो सकता है जब मैं ये बात कर रहा हूं लोग अभी भी व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो टेबल के नीचे फोन रख के। ट्रस्ट में जिस दिन आप मेरी जगह पे आएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या क्या देख सकते हो। सो हमेशा बी वेरी केयरफुल जब आप क्लाइंट से बात करें, जब आप टेक्स्चुअल इंफॉर्मेशन टाइप करने जा रहे हैं, आपको अब मॉनिटर हो रहे हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कुछ एल्गोरिथम एक हफ्ते में एक दिन चलते हैं, मैंने कहा था महीने में एक दिन चलते हैं, साल में एक दिन चलते हैं। बाजू का जो साल में एक दिन चलते हैं वो सारे लोगों की सारी हिस्ट्री उठा के उसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करके आपकी रैंकिंग डिफाइन करते हैं और आपको समझ भी नहीं आती हुआ क्या, लोग आपके पास आना क्यों छोड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि अब वक्त वालों ने अपना प्रपोजल तो चलाना है ना। बड़े क्लाइंट कैसे लाएंगे जब उनको क्वालिटी नहीं देंगे? वो आपके हाथ से पकड़ के तो क्वालिटी नहीं दे सकते, उन्होंने अपने सिस्टम को मजबूत करना है। मोस्टली हमारे लोग बात करते वक्त ये ख्याल नहीं करते, बी वेरी केयरफुल। एंड देन कैरिंग आउट फ्रॉड और स्कैम, साथ बाद या फ्रॉड करोगे तो पकड़े जाओगे, और कितने तरह के फ्रॉड होते हैं उसके लिए मुझे 1-2 महीने चाहिए लेक्चर के लिए, ठीक है? क्योंकि इतने फ्रॉड हमें करने का तरीके आते हैं। डिवेलपिंग हैकिंग अनएथिकल टूल्स, कोशिश करें कि ऐसे सिस्टम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर ना बनाएं जो अनएथिकल हों। वो आपको कर सकते हैं, अभी आप उस वक्त तक नहीं कर रहे होगे इसलिए मैं सिर्फ इसको यहाँ इन जनरल बताऊंगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब्यूज थ्रेट्स, राइट, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को धमकी नहीं देनी, क्लाइंट को ये बिल्कुल नहीं कहना तो बाहर आ तुझे मैं देख लूंगा, ठीक है? क्योंकि अगर AI एल्गोरिथम नहीं पकड़ेगा तो क्लाइंट में क्या होता है। अब अगेन मैं आपको हर दफा रोकूंगा जब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगा, मैं आपको एक बात सिखाने जा रहा हूं, मैं ठहर ठहर के सिखाऊंगा, क्योंकि कोई 100 दफा तो मुझे मेरी टीम को सिखानी पड़ी है ना, वो आप भी गलती करते हैं और 90% ऑफ द टाइम आप मेरी बात को फॉलो नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं। जब कभी फ्रीलांसिंग फाइवर पे, अपवर्क पे, पीपल पर आर पे, गुरु पे, या किसी डायरेक्ट क्लाइंट के साथ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर आपको कभी कोई प्रोजेक्ट मिले, बहुत अच्छा क्लाइंट मिले जो आपको लगे कि यार बड़ा नेक आदमी है, बड़ा सच्चा आदमी है, एक चीज आपने अज्यूम करनी है एट द स्टार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट कि एक वक्त आया है आप अदालत में खड़े हैं, उसने आप पे केस किया हुआ और आपने उसको डिफेंड करना, ये होगा ही होगा, ये शुरू से अपने माइंड में बिठाएंगे। तो उससे फर्क क्या पड़ता है, मैं क्लाइंट का हर मैसेज ट्रैक करता था, हर ऑफिशियल ईमेल अपने एविडेंस बनाता जाता था, 10 में से कोई 1 दफा ऐसा होता था, लेकिन वो अगर आपके पास एविडेंस ना हुए, आपकी चैट अपवर्क से बाहर हुई, आपने उस तरह की कम्युनिकेशन मेंटेन ना की,
वो आपका प्रोफाइल ब्लॉक करने में कामयाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने शुरू में कहा था बंदा तो बड़ा ही अच्छा था यार, मैंने तो पिछले पूरे महीने की मेरे पे ट्रैक नहीं। और एक और गलती कि चैट के अंदर ऐसी ऐसी चीजें लिख जाते हैं, क्योंकि बंदे के साथ दोस्ती जरा गहरी हो जाती है तो उसे कह देते हैं कि यार कोई नहीं 500 इधर से दे दे, 500 उधर से दे। जिस दिन डिस्प्यूट होता है खुदा ना खास्ता, उस दिन अपवर्क की टीम फिर मैनुअल चैट पढ़ती है, और उस दिन एक मैसेज जब उनके सामने आता है, क्योंकि वो इतने ओवरलोडेड होते हैं आगे नहीं जाएंगे, वो था ब्लॉक। हम लोग 90% ऑफ द टाइम जैसे पता चलेगा क्लाइंट अच्छा है, हम भूल जाते हैं कि हम लिख क्या रहे हैं, वो अदालत वाला सीन माइंड में से निकाल देते हैं। मेरे पास इससे अच्छी एग्जांपल नहीं है, पर मैं ये सोच के जाता हूं कि एक दिन मैं इसके साथ अदालत में खड़ाऊंगा और मुझे अपने आप को डिफेंड करना है। डजंट मैटर हाउ गुड ही इज। मैंने अभी को आपको दिखाया था ना, मेरा लास्ट प्रोजेक्ट क्लोज ओवर $174,000 आज भी है, ठीक है। तो आपने हमेशा वो माइंड में रखना, हमेशा प्लीज ये बात अपवर्क को अगेन बार बार बता रहा हूं, अगर तो आपने इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, आप इस यूनिवर्सिटी में खड़े होकर किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों से बात कर रहे होंगे, 200 लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे, हो सकता है कि 30-40,000 के प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे क्लोज हो गए। आई एम टॉकिंग टू यू, हाउ गुड इज ही, हाउ गुड इज दिस। फाइनेंशियल फ्रीडम और क्या है भाई, लेकिन अगर आप बेसिक गलत रखेंगे, दो क्लाइंट आपको केस करेंगे, तीसरे में आप उड़ जाएंगे। तो प्लीज, क्लाइंट नुकसान फाइनेंशियल होता है, खैर अकाउंट ब्लॉक ना करवाइएगा। एनीवे, प्रोजेक्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, आपने बाहर कभी प्रोजेक्ट नहीं लगाने। उसके बाद ओवर बिलिंग बाई एडिंग मोर आवर्स, वेरी डेंजरस। मैं आपको मैनुअल वर्कर पढ़ाऊंगा जहां आप काम करते हैं और मैनुअली जाके ऐड कर देते हैं कि मैंने 24 घंटे काम किया, वो 24 घंटे क्लाइंट को जाते हैं, क्लाइंट उसके बारे में आपको पैसे देते हैं, हम वर्क डायरी में पढ़ेंगे, झूठ नहीं बोलना आपको, राइट, ये नहीं बताना जितना काम किया उतना दिखाओ। शेयरिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैंने इस पे अकाउंट ब्लॉक होते हुए देखे हैं। लोग ना पाकिस्तान से उठा के दे देते हैं कि यार ये जो पाकिस्तान में ना HBL की वेबसाइट है मैंने बनाई है, US में बैठे उसको कहते हैं, US में बैठे बंदे को क्या पता चलेगा, कहीं से HBL तक बात पहुंच गई, उन्होंने आप पर कोई ईमेल कर दी, यू आर गॉन। क्यों चांस लेंगे आप? अब तक या कोई भी प्रोफाइल, आप जिस दिन ये वर्ड माइंड में बैठ गया ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप कभी चांस नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपका घर है, तो आप उस प्रॉपर्टी के पेपर रोजाना जेमी डाल के फिरते हैं, ख्याल रखते हैं, हिफाजत करते हैं, क्योंकि आपको पता है बार बार नहीं बनती रेपुटेशन, बार बार नहीं बनती, उसका ख्याल रखना होता है। तभी अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को भी देखें ना यूट्यूब पे, तो बातें करते हुए बड़ी एहतियात करता है। मैं भी इस वक्त आपका कि बहुत सी बातें नहीं बता रहा, मुझे अपना अकाउंट प्यारा है भाई आज भी, सो आई जस्ट कैन नॉट डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग। मुझे अंदाजा था जब मैं रात को बैठ के देखा, और मेरे लिए ना एक चैलेंज था, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। जो बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है ना, मुझे पता था कि यार मुझे लेवल नेक्स्ट ही रखना पड़ेगा, बीच वाला गेयर में लगा नहीं सकता, तो इसलिए मैं भागा भागा, मुझे कहते वॉशरूम जाना, मैंने कहा नहीं, मुझे कहते खाना खाना नहीं, पानी पीना नहीं, मैंने कहा मुझे अंदर जाना था एक दफा, आपको मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा है यार, आई नीड टू डिलीवर द वैल्यू, ठीक है, आई नीड टू डिलीवर द वैल्यू। और अगर जब तक वो नहीं होगी, मैं श्याम भाई के साथ हूँ, आप उन्हें मैसेज कीजिएगा, मैं इनके पेजेस पे आऊंगा और आप लोगों को वैल्यू दूंगा, अधूरा काम मैं नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। जब मैं ये स्लाइड बना रहा था, मैंने बड़ी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन लिखी, पढ़ ले। बस मैं हमेशा अपने माइंड में एक बात रखता हूं, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि यूं करके बच जाऊंगा, यूं करके बच जाऊंगा, यूं करके बच जाऊंगा, सिर्फ एक बात सोची जिस दिन गया गया। मैंने अपने आप को अपवर्क की ब्लॉकेज पे कभी सेकंड ऑप्शन दी नहीं, इसलिए मैं यहाँ आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, सॉरी आई एम नॉट गोना टेल यू, बाकी आप निकाल लेंगे। कनेक्ट्स की बात करते हैं। अपवर्क प्रोफाइल के अंदर जब आप क्लाइंट आता है, वो एक जॉब पोस्ट करता है,
अमानुल्लाह को बता दीजिए, वो कहता है कि मुझे एक सर्टेन प्रोजेक्ट चाहिए, मैंने वेबसाइट बनवानी है, मैंने कुछ डिजाइन करवाना है, आप उस पे जाके बिड करते हैं, प्रपोजल भेजते हैं, तो एक थोड़ा सा ना पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे ऐसा कैश नहीं होता है, एक वर्चुअल करेंसी होती है, कनेक्ट होते हैं, वो अपवर्क ने इसलिए रखा होता है कि अगर एक क्लाइंट आता है, मैं क्लाइंट हूं और मैं कहता हूं मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी है और पूरी दुनिया से लोग उठा के मुझे 1,00,000 प्रपोजल भेज देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अपवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चौक हो जाएगा, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा और इररेलेवेंट आ जाएंगे चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कहा जाए कि बाहर कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट बिक रहा है, मिल रहा है और वो फ्री है, जिसको जरूरत नहीं वो भी ले लेगा। टू कंट्रोल दैट एंड टू एस्टैब्लिश द बैलेंस, तो अपवर्क ने सिस्टम शुरू किया वर्चुअल करेंसी है कि आपके पास लिमिटेड कनेक्ट होते हैं, उसे कनेक्ट कहते हैं, आप समझ लें आपके पास कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स समझ लें, कनेक्ट समझ लें, वो आप खरीद भी सकते हैं और अपवर्क आपको इनिशियली एक लिमिटेड कोटा फ्री भी देता है, वो हम आगे बैचेस में आपको बताता जाऊंगा कितने कब मिलते हैं, वो आप खरीद भी सकते हैं ताकि अपवर्क ने भी पैसे कमाने होते हैं ना। तो आप जब बिड करते हैं तो सर्टेन कनेक्ट्स आपके माइनस होते हैं, सर्टेन कनेक्ट्स आपके माइनस होते हैं जब आप बिड करते हैं। मैं ये वर्ड रिपीट पता क्यों कर रहा हूँ, ये वोकैबुलरी समझना जरूरी है। प्रपोजल भेजते हैं, बिड करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स माइंड में है, तो वो कनेक्ट्स आपके निकल जाते हैं आपके टोटल में। जब आपके कनेक्ट खत्म हो जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या कनेक्ट खरीदें या एक महीने का वेट करें, एक महीने बाद रिन्यू होते हैं ताकि वो बैलेंस मेंटेन कर सके। तो आपको कनेक्ट्स का समझ में आ गया। अब हम इधर देख लेते हैं, टोकन्स हैं, वर्चुअल करेंसी समझ लें, इफ द क्लाइंट इन्वाइट्स यू टू अप्लाई, अच्छा बाद में वो देखते हैं। तो कनेक्ट्स की समझ आई? अच्छा, आप कनेक्ट्स कहां कैसे लगते हैं, कहां नहीं लगते, कैसे होता है, थोड़ी उसको बात कर लेते हैं। अब अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनवाइट्स, वर्ड है इनवाइट। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट आता है, सर्च करता है कि मैंने वेबसाइट बनवानी है, तो अपवर्क उसको सजेशन देता है, एक लिस्ट देता है कि यार ये डेवलपर्स हैं, आप इनको इनवाइट भेज दें। वो इनवाइट बटन पे क्लिक करेगा और आपके पास एक मैसेज आएगा कि क्लाइंट आपसे फलां काम करवाना चाहता है, वो खुद इनवाइट करेगा। क्यों इनवाइट करेगा? अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपके रिव्यूज अच्छे हैं, जॉब सक्सेस रेट अच्छी है, आपने अच्छा काम किया है, आप चैट करते हुए पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी डिलीवरीज दे रहे हैं, तो अब तक आपको एल्गोरिथम ऊपर ले आता है। क्यों? क्योंकि आप पर की हमेशा कोशिश होती है कि क्लाइंट को वैल्यूएबल वेंडर दे, डिवेलपर दे। अगर अपवर्क क्लाइंट को वैल्यू नहीं देगा तो अपवर्क पे बड़े क्लाइंट नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपवर्क सजेशन देता है उस बंदे को कि भाई जाओ इन लोगों को इनवाइट कर दो, और वो भी लिमिटेड इनवाइट होती है, 10 होती है, 20 होती है, 30 होती है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट की भी वैल्यू होती है, स्कोर होता है, रिव्यू होते हैं, अभी आपको उसको समझने की जरूरत नहीं, वो एक अलग से साइज है। तो जब आपके पास इनवाइट आती है, आप उस इनवाइट के जवाब में जब आप बिड करते हैं तो आपके कनेक्ट माइनस नहीं होते। अब कुछ दिन पहले मैंने जब अपनी ही टीम से बात कर रहा था तो वो भी ये मिस्टेक कर रहे थे और मुझे एक साल बाद इस मिस्टेक का पता चला, ठीक है, क्योंकि पिछले चंद महीनों से मैं इस तरह से आपको की बिडिंग नहीं करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। सो इनवाइट, इनवाइट जब आपको आता है तो आप उस इनवाइट को या एक्सेप्ट करके प्रपोजल सबमिट करते हो या आप उसको रिफ्यूज करते हो कि यार मैं ये काम नहीं कर रहा। अपवर्क आपको ड्रॉप डाउन में कुछ रीजन देता है, हम आगे देखेंगे कि यार ये काम मेरे स्किल के मुताबिक नहीं, आप वो रीजन बता देते हैं, या आप कहते हैं बजट कम था, या दो चार और रीजन है वो आप बताते हैं और आप इनवाइट को डिक्लाइन कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, हम नहीं करते पाकिस्तान में, नहीं करते इनवाइट है, बस असी कहने आन दो, हमारा काम है ता भी आन दो, नहीं है तब भी आन दो, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है। लोग कहा जाता है कि यार इनवाइट एक्सेप्ट रिजेक्ट करोगे तो अपवर्क आपको इनवाइट भेजना बंद कर देगा, क्योंकि जैसे जैसे वो आपको इनवाइट आप रिजेक्ट करते जाते हैं तो आपको इनवाइट, जैसे ऊबर क्रीम का मॉडल होता है ना कि क्रीम के ड्राइवर को रिक्वेस्ट जाती है, वो आगे से रिजेक्ट करते, दो चार रिजेक्ट करे तो रिक्वेस्ट जाना ही बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट को ले नहीं रहा। अपवर्क पे ऐसा नहीं होता। और अपवर्क ने एक और फीचर ऐड किया लेटली कि अब आप इनवाइट किसी दोस्त को डेलीगेट कर सकते हैं। आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, आपके पास, आप डिजाइनर है, आपके पास वर्डप्रेस की गलती से क्लाइंट ने इनवाइट भेज दी, आप उसको अपने दोस्त को भेज सकते हैं, वहां ड्रॉप डाउन में उसका प्रोफाइल वगैरह डालेंगे और कहेंगे यार ये उसको चला जा, तो वो उसको आगे चली जाएगी, वो उस पर बिड कर सकता है, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बैकएंड एल्गोरिथम्स पे। जब मैंने अपनी टीम को देखा, जब मैं प्रपोजल रिव्यू कर रहा था तो मैं ऐसी चीजें देख रहा था कि मैंने कहा यार आप लोग यहाँ इस पे प्रपोजल क्यों भेज रहे हो, ये तो हम काम नहीं करते, या तो ये बहुत छोटा है, या तो हम काम ही नहीं करना, और क्लाइंट हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, तो बाय द हेल यू आर सेंडिंग द प्रपोजल टू दिस क्लाइंट। सर वो इनवाइट थी ना, अगर नहीं करेंगे तो वो आपका इनवाइट नहीं भेजेगा। ओह माय गॉड, होता क्या है, इनवाइट का जो रिस्पॉन्स होता है वो अपवर्क के एआई मॉडल को ट्रेन कर रहा होता है। आपको एक इनवाइट आई $200 की, आपने उसको डिक्लाइन किया ये कह के कि बजट कम था। अब उसके मॉडल को पता चल गया कि इस बंदे को 200 नहीं 200 से ऊपर भेजना है। अब इनवाइट आपको तब आएगी जब वो 400 की होगी, क्योंकि आपने मॉडल ट्रेन कर दिया उसका। रिस्पॉन्स करें, डिक्लाइन करें विद अ वैलिड रीजन। कभी मैं अगर .NET पे काम कर रहा था तो मुझे अगर आ जाती है ROR की रिक्वेस्ट आ जाती थी, तो मैं उसको डिक्लाइन करके कहता था कि ये मेरे स्किल सेट पे पूरी नहीं उतरती। तो मैं अपवर्क के मॉडल को एक मैसेज सेंड कर रहा था, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में अपवर्क की मैनुअल टीम इन्वॉल्व नहीं होती। तो मैं जब ये इन्वाइट को रिस्पॉन्स स्मार्टली करूंगा, 2 महीने बाद 3 महीने बाद मेरे पास मेरे स्किल सेट और मेरी कॉस्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो हम क्या करते हैं, हम इररेलेवेंट को जब एक्सेप्ट करेंगे तो अपवर्क एल्गोरिथम को समझेगा ठीक है ये भी करता है, तो वो आपको इतनी इररेलेवेंट इनवाइट्स भेजेगा कि आपका साल के बाद कुछ $1,00,000-$2,00,000 का नुकसान हो चुका होगा। और वो नुकसान हो चुका होगा जो हम कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। हमारी जेब से जो पैसे जाए ना, हम वो कैलकुलेट तो कर सकते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। अगर हम इस सेशन को जिन लोगों ने मिस किया उनको कभी एहसास भी नहीं होगा कि नुकसान क्या होगा, क्योंकि उनकी जेब से पैसे नहीं निकले ना। तो कुछ जिंदगी में लॉसेस ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आ रहे होते, बट वो बहुत सीरियस होते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। सो इनवाइट्स को स्मार्टली हैंडल करना है। दो चीजें मैंने आपको बता दी, कनेक्ट्स, इनवाइट्स। इनवाइट्स के ऊपर जो ट्रिक था वो भी मैंने आपको बता दिया। एनी क्वेश्चंस? मूविंग फॉरवर्ड, इफ द क्लाइंट इनवाइट्स यू टू अप्लाई और इज रीहायरिंग, यू वोंट नीड टू यूज एनी कनेक्ट्स। मैंने आपको ये समझा दिया। ऑल अदर एप्लीकेशन कनेक्ट रिक्वायरिंग यू 1 to 6 अप। लेटेस्ट चीज जो अपवर्क ने अभी अभी रिसेंटली चेंज की है, जिस पे फ्रीलांसर्स की चीखें निकल गई है, नंबर ऑफ कनेक्ट्स पे। लेकिन विद ऑल माय एक्सपीरियंस, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट अपवर्क हैज डन सो फार। सबसे बेहतरीन काम ये किया अपवर्क आप लोगों के लिए, ट्रस्ट मी आप लोगों के लिए, आई प्रूव इट। इस पे भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। बेसिकली होता क्या था, अगर आपकी जेब से ₹2 निकल रहे हैं, ₹3 निकल रहे हैं, ₹4 निकल रहे हैं, आपका वो जब बिड कर रहे होते हो तो आपका फोकस लेवल मेंटेन नहीं होता, और आप 20 प्रपोजल लिखते हैं या 30 प्रपोजल लिखते हैं। 20-30 प्रपोजल लिखने पे टाइम भी 20-30 प्रपोजल का जाता है, एफर्ट भी जाती है, और स्कोर भी उसी तरह से इफेक्ट होता है। तो अब क्या हुआ, अपवर्क ने आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैं आपको एक चेकलिस्ट बताऊंगा। अब तक मुझे अब सिंपल बात हो गई, जो काम मैं 20 प्रपोजल ड्रॉप करके करता था अब मैं 1 पे करता हूं। क्यों? जैसे ही देखता हूं कि मेरी एक चेकलिस्ट है, आपको सिखाऊंगा कि किस प्रोजेक्ट पे बिड करनी है, किस पे नहीं करनी। जब वो मुझे पता चल जाता है कि परफेक्टली मेरी डोमेन के अंदर है, तो वो प्रोजेक्ट जीतना और उस पर रिव्यू लेना मेरे लिए और आसान हो गया। अब मुझे 20 पे नहीं करनी, मुझे 1 पे करनी है। सिर्फ मुझे यहां से खुद को ठीक करना है, तुक्के मारने बंद करने हैं, ठीक है। अब आप अगर तो आप स्मार्ट हैं, इंटेलेक्ट हैं, तो आप रेस से ऑलरेडी आगे निकले। बहुत से लोगों को अपवर्क ने रेस से ऑलरेडी बाहर कर दिया। अब ये चीखें उनकी निकलेंगी जो बैठ के तुक्के लगा रहे होंगे। इसीलिए अब स्मार्ट होना, समझना जरूरी हो गया, वरना अब सर्वाइवल मुश्किल है इस पॉलिसी के बाद। मैंने 2 कनेक्ट लगते थे, 6 कनेक्ट लगते थे लिखा हुआ है। कल मैंने प्रपोजल देखा, उस पर 300 कनेक्ट, 400 कनेक्ट, मैंने 500 कनेक्ट का किया। अब इसका बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ, बेनिफिट बताता हूँ। ये स्लाइड में नहीं है क्योंकि ये रीसेंट है। तो क्लाइंट ने अपनी जॉब लिखी और सबमिट का बटन किया था, और वो जितने फिल्टर लगे हुए थे सारे डेवलपर को शो होना फॉर एग्जाम्पल शुरू हो गए। अब मैं इंस्टेंटली वहां बैठा हुआ था, जैसे ही मैं एक्टिव था अपवर्क पे, क्योंकि मुझे काम चाहिए, मैं मेहनती हूं। जैसे पोस्ट हुई, मैंने उस पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं किया। मैं बिडिंग करना तो मैं चाहता था कि एक अलग से सेशन रखूं,
मैंने टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उस पर कॉम्प्रीहेंसिव सी बिट प्रपोजल लिखा, सबमिट कर दिया और वो स्क्रीन पे बैठा था, मैंने उसको वहीं इंगेज कर लिया। यार अगर वो आप दो कनेक्ट्स में भी किया ना उस वक्त, तो 300 वाला भी पीछे रह जाएगा, क्योंकि आप तो क्लाइंट को इंगेज कर चुके हो, आपके साथ चैट में आ गया। अब जब वो आपसे बात कर रहा है उस दौरान कोई बंदा 300 कनेक्ट लगा के भी बिट करेगा, वो आगे होगा पीछे होगा, वो बेशक टॉप पे आएगा, लेकिन आप क्लाइंट जाके प्रपोजल तो चेक नहीं कर रहा, वो तो आपसे बात कर रहा है। आपके पास चांस है टू विन विद टू क्लाइंट्स, विद टू कनेक्ट्स। आप 300 कनेक्ट वाले को भी हरा देंगे विद टू कनेक्ट्स। अच्छा अदर वे राउंड भी बताऊंगा क्यों, इसमें टाइमिंग बहुत मैटर करती है, आपकी एक्टिव रहना होता है, विजिलेंट रहना होता है हर वक्त। अच्छा सेकेंड, अब इसको उल्टा करके देखते हैं कि एक पहला जो डेवलपर जिसने नंबर वन पे बेट की, उसने सीधे 20 कनेक्ट लगा दिए, आपके पास टोटल है 30, ठीक है। और उसने जब आपको पता चला कि एक ऐसी जॉब पोस्ट हुई है, फॉर एग्जांपल एक एलएमएस बनाना था, आप तो वो एलएमएस 4 दफा पहले ही बना चुके हो, आपको तो बेहतरीन आता है, जो क्लाइंट मांग रहा है एग्जैक्टली आप वो कर चुके हो, और क्लाइंट की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, क्लाइंट की स्पेंडिंग्स भी बहुत अच्छी है, स्पेंडिंग भी बताऊंगा, हिस्ट्री भी बताऊंगा अभी आगे जाके। तो आप क्या करते हो, अब बेशक वहां रिस्क लोड 30 के 30 कनेक्ट उठा के लगा के उस 20 वाले को बीट कर, एक ही प्रपोजल के अंदर आप जीत सकते हो। सो यू नीड टू बी स्मार्ट, आगे मैं चेकलिस्ट बना के दूंगा। सो कनेक्ट पॉलिसी अब चेंज हो गई है, अब कनेक्ट वेरी करते हैं आप पे कि आप कितने कनेक्ट डाल रहे हैं, इसे बूस्ट भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें, बट आपने ऊपर आने के लिए कनेक्ट को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पता है इस बात का तो आप जीत जाएंगे, नहीं पता आप हार जाएंगे। आगे जो मैं चेकलिस्ट बताऊंगा वो अपने माइंड में रखनी है। तो कनेक्ट्स हमारे क्लियर हो गए। अब के मेंबरशिप पर्क्स हैं, लेट मी टेल यू, चेंज होते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन। जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैंने कनेक्ट्स के बाद ये रखा है, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे आपके पास ये दो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो पहले आप सीधा इस ऑप्शन से जाएं, 10 फ्री कनेक्ट्स मिलेंगे, आप कनेक्ट्स को बाय कर सकते हैं इस अमाउंट के अंदर। अनयूज कनेक्ट जो है रोल ओवर हो जाते हैं। रोल ओवर किसे कहते हैं, कि लेट्स से आपके पास 10 कनेक्ट हैं, आपने पूरा महीना कुछ नहीं किया, अब वो अगले महीने में ऐड हो गए, लेकिन ऐड होते होते 200 से ऊपर नहीं जा सकते, लिमिट, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना करें। अर्ली प्रोटेक्शन टू इंश्योर यूर पेड फॉर ईच आवर्स, हम देखेंगे कि अर्ली प्रोटेक्शन अब तक की क्या है आगे जाके। फिक्स प्राइस पेमेंट, लिमिटेड रिपोर्ट्स एंड फंक्शनैलिटी, आपको बेसिक पैकेज दे देता है, और प्लस पैकेज में आपके पास नंबर ऑफ कनेक्ट ज्यादा हो जाते हैं और कुछ फीचर ज्यादा हो जाते हैं। जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होंगे सेशन के बाद, इस स्क्रीन पे दोबारा लैंड करेंगे, एक एक चीज आपको खुद आके कहेगी कि हाँ मैं हूं, क्योंकि आगे ही पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इसको मैं इतना बता रहा हूँ कि ये स्क्रीन आएगी लेकिन पूरे राउंड के बाद आएगी, और आपकी खुद बताएगी कि हाँ ये हम पढ़ चुके हैं। पर दो चीजें आएंगी आपके पास, एजेंसी के बारे में बताऊंगा, फिर इस पे आऊंगा कि आप अपवर्क पे दो तरह से प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, एक अपना पर्सनल और एक एजेंसी का। एजेंसी में क्या होता है कि आप दूसरे डेवलपर ऐड कर सकते हैं, उसके कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं, आगे मैंने मेंशन किए हैं तो वहां आपको बताऊंगा मैं। अच्छा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दो तरह की अपवर्क पे सेटअप योर प्रोजेक्ट कैटलॉग लोग। अच्छा हेडिंग गलत है, सॉरी फॉर दैट। अपवर्क पे आपके पास दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिक्स्ड एंड ऑर्ली। फिक्स्ड क्या होता है, जैसे नाम से ही जाहिर है कि आप जाते हो और क्लाइंट को कहते हो कि यार ये मैं $300 में करूंगा, $400 में करूंगा, निगोशिएशन होती है, एक प्राइस तय होती है, उसके छोटे छोटे माइलस्टोन बन जाते हैं। एक और कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, माइलस्टोन, छोटे छोटे हिस्से, ठीक है, कि पहले काम करोगे दिखाओगे तो इतने पैसे रिलीज करूंगा, दूसरा करोगे दिखाओगे तो इतने करूंगा, और फिर प्रूफ कंप्लीट होगा तो इतने पैसे मिलेंगे। उस दौरान आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है कि जो आप बोल रहे हैं देख सोच समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट $4,000 में लिए, बाद में पता चला इसके अंदर काम तो $12,000 का, लेकिन कमिटमेंट कर चुका था। बाद में आप जाके क्लाइंट को नहीं कह सकते इस बात पे, क्लाइंट डिस्प्यूट फाइल कर सकता है, केस कर सकता है आप की डिस्प्यूशन में, तो आप वो नहीं कर सकते। तो फिक्स रेट में जब आप जा रहे हो जिसमें आपने उसको फिक्स रेट बताना है, तो आपने अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट समझनी है। आई विश कि इस पे अलग से सेशन हो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करते हैं, किस तरह के सवाल करते हैं, किस तरह से रिक्वायरमेंट निकलवाते हैं, ब्लंट क्वेश्चन नहीं होता है, क्लाइंट आपको हमेशा समंदर को कूजे में बंद करके देता है, कहता है आई नीड दैट सिंपल थिंग, यू नो वन सिंपल थिंग दिस, वन सिंपल थिंग दैट, दो तीन घंटे लगेंगे तुम कर दोगे, बाद में दो तीन महीने निकलते हैं।
ठीक है, उसकी टोन ऐसी होती है, जो स्मार्ट क्लाइंट्स होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, उनकी टोन बड़ी अच्छी ऐसी होती है, आपको लगता है हाँ लग तो वैसे आसान ही रहा है। नहीं, यू नीड टू डू द एनालिसिस, आपको एंड टू एंड देखना है। यहां मैं आपको एक और बात सिखाता चाहूं, आप 5 अच्छे क्लाइंट आपके हाथ से निकल गए या 10 अच्छे क्लाइंट आपके हाथ से निकल गए, खैर, लेकिन एक बुरा क्लाइंट पल्ले पड़ गया ना, तबीयत साफ नहीं, करियर साफ कर देगा। समझ रहे हैं आप? सो प्लीज 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 डेस्परेशन शो नहीं करानी जब आप वहां पे जाके जा रहे हो, डेस्परेट नहीं होना, सबर से लेना। अगर आपको डाउट है कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपको क्लियर बताना चाहिए, ठीक है, सवाल करो नाइसली पोलाइटली, एंड में एक स्क्रीन है वहां तक पहुंचे तो मैं ये भी बताऊंगा कि सवाल कैसे करते हैं, ठीक है, तो अच्छे तरीके से पूछ के रिक्वायरमेंट गैदर करके अपनी रिसर्च करके फिर प्रोजेक्ट विन करो। यहाँ बहुत ट्रिकी काम है, प्लीज एक वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है कि आप ओवर क्वेश्चनिंग करोगे तो मारे जाओगे, काम करोगे तो मारे जाओगे, ठीक है, यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। आपके जो सवाल है, ये मेरी जिंदगी का अब तक एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, आपके जो सवाल है वो ये डिफाइन करते हैं कि क्लाइंट आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा। उन्हीं सवालों से आप अपने आप को उसके दिमाग में बेवकूफ भी साबित कर सकते हैं, स्मार्ट एंड इंटेलेक्ट भी साबित कर सकते हैं, तो बी वेरी केयरफुल, सवाल पूछें, लेकिन पहले अपने हिस्से की मेहनत, रिसर्च, मेन नॉलेज करके पूछें, क्लैरिटी हो तो पूछें। तो फिक्स कॉस्ट के लिए आपको एहतियात करनी होती है कि आपने सोच समझ के प्रोजेक्ट लेना। आर्ली में क्या होता है, आर्ली रेट में क्या होता है कि आप जितने घंटे काम करते हैं उतने घंटे के पैसे मिलते हैं, और एक आर्ली रेट आप क्लाइंट के साथ डिफाइन कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन, नेक्स्ट 10 लास्ट 10 मिनट्स, मैं आपको अपने आपको प्रोफाइल में से ये सारी चीजें दोबारा बताऊंगा, आर जहां डाल रहा हूं सब कुछ, क्योंकि उसमें से भी छोटी छोटी चीजें निकलेंगी, विल जस्ट गो थ्रू इट, तो कंप्लीट हो जाएगा। सो आर्ली रेट दो तरह के होते हैं, नंबर वन आप मैनुअल आवर्स होते हैं, नंबर वन जो होते हैं वो ऑटोमेटिक आवर्स होते हैं कि उनका एक सॉफ्टवेयर आप अपनी मशीन पे इंस्टॉल करते हैं, आप काम कर रहे होते हैं और वो आपको ट्रैक कर रहा होता है। सो यहाँ पे अब आपके जहन में ना एक इमेज डेवलप हो रही होगी, जिसने आप पर कभी देखा नहीं है कि यार आर्ली आवर्स जो होते हैं, मैनुअल आवर्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक आवर्स क्या होते हैं, ये मैं भी आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा फिर दिखाता जाऊंगा। अगर एक एक पेज पे जाके मैंने आपको एक एक चीज दिखाना शुरू किया आपका कि तो 2 दिन और चाहिए होंगे, ठीक है। तो अभी आपको बताता हूँ कि मैनुअल आवर्स ये होते हैं कि आप काम करते हो और जाके अपक के प्लेटफॉर्म पे वो आवर्स ऐड कर देते हो, क्लाइंट को बताते हो कि मैंने 20 घंटे काम किया और ये काम आप मैंने कंप्लीट किया, वो मेंशन कर देते हो पूरी डिटेल और सबमिट का बटन दबा देते हो। हफ्ते के एंड पे वो जो आवर्स आप जमा कराते हो मैनुअल, वो क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है। याद रखिएगा, अपक उसकी गारंटी नहीं देता, अपक कहता है कि अगर आपके क्लाइंट ने कहा कि 20 घंटे का काम नहीं है तो अपक आपको पैसे नहीं देगा। लेकिन ऑटोमेटिक आवर्स जो होते हैं, जिसके अंदर आप अपक का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होती है, आप जो जो भी कर रहे होते हैं उसके स्क्रीनशॉट लिए जा रहे होते हैं, पीछे सबमिशन हो रही होती है, आवर्स ट्रैक हो रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जब लॉक हो जाते हैं तो जैसे हफ्ता खत्म होता है तो उसकी पेमेंट आनी ही आनी है, वो क्लाइंट रिफ्यूज नहीं कर सकता, अपक आपको उसकी प्रोटेक्शन गारंटी देता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जब हम आर्ली जॉब पे जा रहे हैं जिसमें आपको पर घंटे के हिसाब से पैसे मिलने हैं, तो आप ऑटोमेटिक आवर्स पे जाएं और क्लाइंट से कहें कि मैं ऑटोमेटिक आवर्स पे जाऊंगा। मैनुअल आवर्स के बारे में मैं आपको एक और बात बताता जाऊं कि क्लाइंट की मर्जी है कि वो आपको अलाउ करता है या नहीं करता, आपको क्लाइंट को कहना पड़ेगा कि मुझे मैनुअल आवर्स ऐड करना है, वो ऑप्शन इनेबल कर दो, ठीक है, मैनुअल आवर्स ऐड करने की। तो ये होगा, अब मैं आपको ना ये आवर्स और वर्क डायरी दिखा के समझा देता हूँ और कनेक्ट भी साथ में दिखा देता हूँ। सो एनी ऑफ, मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं कि आप यहाँ पे जॉब में जाते हैं, वर्क डायरी में जाते हैं, ठीक है। जब आप वर्क डायरी में जाएंगे तो 2 काम होंगे, इसमें मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट ओपन नहीं है जिसके अंदर मैंने डाला हुआ हो कि वर्क आवर्स लॉक किए हुए हो, क्योंकि मेरे फिक्स कॉस्ट पे चल रहे हैं, रिटेनर्स पे चल रहे हैं। तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कैलेंडर खुलेगा, उसके अंदर जाके आप एड टाइम पे क्लिक करेंगे, मैनुअल आवर्स लॉक करते वक्त। ये एड टाइम पे मैंने क्लिक किया, मैं ये डेट बताऊंगा, टाइम जोन बताऊंगा, कितने बजे से कितने बजे तक स्टार्ट सेलेक्ट करूंगा,
एंड सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि मैंने इसके अंदर क्या क्या काम किया, ठीक है, यहाँ लिखूंगा कि क्या क्या काम किया, सबमिट करूंगा, ये आर्स जमा हो जाएंगे, क्लाइंट के पास चले जाएंगे, वो अप्रूव भी कर सकता है, डिसअप्रूव भी कर सकता है। सो सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर आपके आर्ली रेट कैसे डिफाइन हुआ, कैसे पता चला, कैलकुलेशन कहाँ पे हुई है, कैसी हुई है। तो साथ साथ अब मैं आपको वो भी और भी देता जाऊं कि जब आप अपना प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो आप अपना आर्ली रेट सेट कर लेते हैं कि भाई मैंने तो इतने घंटे के पैसे लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लाइंट से कह देता हूँ कि मैंने $45 पर आर लेना है, और ये मैं चेंज करता रहता हूँ, याद रखिएगा, डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अब ये दिसंबर है ना, अभी आपको एक और एक्सपीरियंस की बात, दिसंबर है ना, मैं आर्ली रेट नीचे गिराऊंगा, क्यों, क्योंकि दिसंबर जो है वो बहुत सबसे डेड मंथ होता है गौरों का बिजनेस आने में, और जनवरी पीक मंथ होता है, मैं इसको 80-90 पे ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त क्रिसमस और उनकी सर्दियां हैं, कहां अब वो काम गिरा हुआ, तो नखरे कम करो, मार्केट ठंडी है, ठीक है। और मुझे पता है कि जनवरी आने वाली है, मैं अपनी टीम को, खुद को, डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर करूं कि एक बल्क आएगा, उसको उठाना है, कैसे उठाना है। सो टाइम मद्देनजर रखना होता है, देखना अपवर्क के ट्यूटोरियल के अंदर कहां लिखा हुआ, इसलिए कहता हूं कीवर्ड पकड़ने, राइट। सो $45 इज माई रेट, मैंने अपना डिवेलप किया कि मैं क्या करता हूं, मिनिमलिस्टिक एक लाइन दी कि मैं फुल स्टैक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट हूं, अपनी वीडियो डाली मैंने, और ये सिर्फ जो 900 डॉलर जो डॉलर है ये मेरे सिर्फ एक प्रोफाइल के हैं, और एजेंसी का प्रोफाइल अलग है, वो दिखाता हूं, वो भी इतने ही है, और ये वो है जो मैं अपवर्क पे कर रहा हूं, ठीक है। सो इससे आगे नहीं जा सकते। सो मैंने कहा था प्रोफाइल, अब मैं आपको वो सारी चीजें, प्रोफाइल फॉर पिक्चर, कनेक्ट्स, डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ अब दिखाता जाऊं आपको। तो जब आप प्रोफाइल बनाएंगे ये व्यू आएगा। सो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपका नाम, अवेलेबल नाउ, यस आई एम अवेलेबल नाउ, मैं इसमें भी घंटा बात कर सकता हूं, मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूं, ऑन भी कर सकता हूं, ये देख ले मैं ऑफ हूं, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, अच्छी बात है, मतलब मैं अवेलेबल नहीं, मुझे आपको काम ही नहीं देगा भाई, भाई मुझे काम ही नहीं आ रहा। कितने परसेंट लोग कह रहे हैं बुरी बात है, और कितने परसेंट कह रहे हैं अच्छी बात है? बुरी बात पर याद खड़ा करें, मैं अवेलेबल नहीं हूं ना यार, क्यों कि रिफ्यूजल रेट आपकी जॉब सक्सेस रेट अफेक्ट करती है कि कितने परसेंट क्लाइंट ने आपको रीच किया और आप काम नहीं कर सकते। AI algorithms, क्योंकि मैं AI algorithm को समझता हूं, मैंने पहले दिन जब भी फीचर देखा तो मैंने बैठ के सोचा कि कौन बेवकूफ हो जाएगा, नहीं मैं काम के लिए अवेलेबल नहीं हूं, कौन होगा ये, मैंने सोचा मैंने कौन होगा जो कहेगा मैं अवेलेबल नहीं हूं। देन आई रियलाइज कि ये कुछ फीचर अपवर्क ने सिर्फ अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डाले हैं। आप एक काम कर, आपने शायद नहीं किया होगा कभी, आप US का वीजा के लिए अप्लाई करें ना, तो फॉर्म में पता क्या लिखा होता है, क्या आपने कभी बम ब्लास्ट किया है, क्या आपने कत्ल किया है, क्या आपने कभी किसी की किडनी बेची है, क्या आप ड्रग लेते हैं, क्या आप ड्रग बेचते हैं, आप मुझे बताएं कि कौन हाँ करेगा। तो ये सवाल डाले क्यों जाते हैं, कभी आपने सोचा? नो, इसमें AI एल्गोरिदम ट्रेन हो रहे होते हैं पीछे, आपके आपकी एक्टिविटी देखी जाती होती है, कि बॉट्स है तो कोई एक्सेस नहीं कर रहा। कुछ फीचर अपवर्क के अंदर ऐसे हैं जिनकी आपको समझ नहीं आएगी, पर वो बहुत वैल्यूएबल है, हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिनमें से एक है इनवाइट को डिक्लाइन करना, दूसरा है अपनी अवेलेबिलिटी मार्क करना, तीसरा अपने आवर्स को स्मार्टली मैनेज करना। हम कहते हैं कि यार ठीक है ध्यान दो, नो इट मैटर्स। सो आई एम, और फिर मैंने अपनी जॉब से टॉप रेटेड प्लस, ये बैचेस में आएगा, ये मतलब टॉप रेटेड प्लस वो लोग होते हैं जो दुनिया में टॉप 3% में आते हैं अपवर्क पे, दुनिया में, पूरी दुनिया में। और इसकी शर्त पता है क्या, कि आप एक साल तक लगातार $20,000 पर मंथ ले रहे और एक भी बैड रिव्यू नहीं आया, तब जाके स्टेटस मिलता है, अपवर्क को पैसे देके नहीं मिलता। सो उसके बाद मैंने किस तरह से अपनी प्रोफाइल को एक्सप्लेन किया, नीचे मेरे रिव्यूज आते हैं, ऑब्वियसली क्लाइंट आएंगे, रिव्यूज देखेंगे, देखेंगे 30,000 का काम हुआ है, $78,000 का काम हुआ, 4,000 का हुआ, 174,000 का हुआ, नीचे जाते हैं, दैट्स एंड। मैं हमेशा अपने प्रोफाइल का ख्याल रखता हूँ। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ क्विकली, ये क्या $50 पे मैंने क्या किया,
अपवक एक नया फीचर आया अपवक कंसल्टेशंस। मैंने अपवक को एज ए कंसल्टेंट ऑन किया हुआ स्टेटस, लोग आते हैं मेरा 30 मिनट लेते हैं, बुकिंग करते हैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। अब वो मुझसे बात करेंगे तो पहले मुझे पैसे देंगे, मैं पैसे दूंगा फिर प्रोजेक्ट बेचूंगा। वो 50 मिनट मेरे 30 मिनट लेंगे, वो कंसल्टेंसी लेंगे। अभी मैंने रेट रखा हुआ है $50 क्योंकि नया फीचर है, मैं इसको $500 पे ले जाऊंगा कि भाई मैं $500 लूंगा, आधा घंटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि नया फीचर है मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो वो आपसे आके बात करेंगे, आपको पैसे देंगे और प्रोजेक्ट भी आप जीत जाएंगे उनका, क्योंकि वैल्यू आप दिखाते हैं। जैसे ना डॉक्टर वो कहता है भाई इलाज मैं करूँ ना करूँ, मेरी क्लिनिक में आने के बाद बाहर पैसे दे के आओ, और अंदर जाके कहता है ना डॉक्टर कहता है नहीं जी आपको तो दानी का केस है, पैसे तो हम बाहर दे चुके हुए हैं यार। रेपुटेशन, क्योंकि वो उस तक पहुंचते हुए उस शख्स ने बहुत मेहनत की है। सो ऑलवेज केयरफुल अबाउट योर रेपुटेशन, इसलिए $50 यहाँ पे आए हुए। सो अपवर्क कंसल्टेशन समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं, एक और टर्म आगे आएगी इसी पेज पे, मैं एक्सप्लेन करता जाऊं, अपवर्क स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। अपवर्क स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल उसको देखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने दो प्रोफाइल हैं, एक ही प्रोफाइल के अंदर दो बनाए हुए हैं मैंने, जिसके अंदर अपवर्क ने मुझे अलाउ किया है कि मैं, अब पहले नहीं था, ये भी रिलेटिवली न्यू फीचर है, कि मैंने मशीन लर्निंग का एक प्रोफाइल बनाया हुआ अपना, जिसमें सिर्फ मेरा मशीन लर्निंग का काम होगा, ठीक है। मैं जितने भी नीचे ये प्रोजेक्ट अटैच करूंगा, ये सारे ML के करूंगा जिनके अंदर मशीन लर्निंग है। और जब मैं बिड कर रहा होता हूं तो मैं डिसाइड करता हूं कि क्लाइंट क्या देखेगा, मैं किस प्रोफाइल से बिड कर रहा हूं। होता क्या है, एक मशीन लर्निंग का क्लाइंट आया, आपने उसको सारा का सारा पोर्टफोलियो उठा के भेज दिया है, ऊपर के चार प्रोजेक्ट हैं ही इररिलेवेंट, वो नीचे जाके देखेगा ही नहीं। तो मैं उसको वो दिखाता हूं जो उसका पेन पॉइंट है कि भाई तू मशीन लर्निंग का, मैं इससे बिड करूंगा। वो जितने भी मेरे जाके प्रोफाइल विजिट करेगा उनको मशीन लर्निंग नजर आएगी। तो अपवर्क ने और आसानी कर दी क्लाइंट के लिए, आपके लिए। तो स्पेशलाइज प्रोफाइल में प्रेजेंटेशन में पढ़ लेंगे, कुछ चीजें कॉमन होती हैं, दोनों में कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। एक जनरल प्रोफाइल होता है, एक स्पेशलाइज प्रोफाइल होता है। जनरल प्रोफाइल और स्पेशलाइज प्रोफाइल के अंदर आपका जो ओवरऑल जॉब सक्सेस रेट है वो सेम रहेगा, आपका इंट्रो, आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन सेम रहेगी, वो जो पोर्टफोलियो का सेक्शन और कुछ छोटी छोटी चीजें वो चेंज हो जाती है। ऊपर देखिए मैं अभी तक वही हूं, सिर्फ ये टाइटल चेंज हुआ है। अब क्लाइंट फुल स्टैक डेवलपर नहीं देखेगा मुझे, अब वो मुझे देखेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। अब देखने कितनी अच्छी बात है, उसे लगेगा भाई बंदा काम ही यही करता है, उसको और कुछ पता भी नहीं है, और वो कुछ नहीं देखेगा मेरे बारे में। सो अपवर्क ने बहुत अच्छा वैल्यूएबल फीचर निकाला है। अदरवाइज मैं उसे जाके कहूंगा, मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करके कहूंगा कि यार मैंने इससे बिड करनी, यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, नीचे सब बदल गया। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। आप अगर मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में फुल स्टैक से बिड कर देते हैं तो क्या होगा, कनेक्ट भी गए, टाइम भी गया, क्लाइंट भी गया, रेपुटेशन भी गिरी। इट्स नॉट दैट सिंपल गाइज, इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट हिट एंड ट्रायल, नीड टू बी स्मार्ट। दो प्रोफाइल आपने हमेशा मेंटेन रखने, अपने आगे जाके आपको जरूरत पड़ेगी। आप डिजाइनर हैं, एक अलग से डिजाइनिंग प्रोफाइल बना लें, आप डेवलपमेंट प्रोफाइल अलग से बना लें, और क्लाइंट देखिए वो चाहता क्या है, उसको उस प्रोफाइल से बिट कर, तो क्लाइंट के लिए भी आसानी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और एक मेरे पास है, कभी कभी मैं कहता हूँ यार क्लाइंट को खुद नहीं पता उसको क्या चाहिए, इस वाले से करता हूँ ऑल से, इसको सब नजर आना चाहिए कि मैं हूं क्या चीज, ठीक है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कुछ अर्निंग्स हैं, नंबर ऑफ आवर्स हैं, कितनी जॉब आपने कंप्लीट की वो आ रही होती है। तो ये आपका प्रोफाइल पेज बता रहा हूँ, उसके साथ मैं आपको प्रोफाइल सेटिंग एक चीज इस पे जी डिस्कशन एडवांस करेंगे। जैसे ये टाइटल है ना, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट SaaS बिजनेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट, जो प्राइमरी गलती की जाती है जवानों की तरफ से वो ये की जाती है कि इस पे आप अपनी तारीफ कर रहे हैं टाइटल में। ये जरा इसको किसी को यानी हमने शक किया है, आप मुझे बता सकते हैं टाइटल की क्या क्वालिटी, क्योंकि शुरू में कर चुका जब मैं प्रोफाइल क्रिएट कर रहा था टाइटल के बारे में हमने बात की थी, जब मैंने कहा था कि यू कैन नॉट बी एस्थेटिक निंजा। मैं जो दिखा रहा हूं हम बात करके आए हैं, टाइटल बताना जो आप कहां, फुल स्टैक डेवलपर हैं, डिजाइनर का मैंने एग्जांपल दी थी, अगर आप डिजाइनर हो तो एस्थेटिक निंजा नहीं लिखना, यूआई डिजाइन लिखना है, कॉमन वर्ड लेने हैं जो क्लाइंट समझ सके, जो सर्च भी कर रहा हो, एल्गोरिदम हो, आपने कीवर्ड बोले जो सर्च में भी रैंक हो रहे हो, तो इस तरह से आपने टाइटल रखना है। हमने प्रोफाइल पिक्चर पढ़ी, हमने वीडियो पढ़ी, हमने टाइटल पढ़ा, हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, और जो चीजें हम नहीं कर सके वो मैं यहाँ कवर करने जा रहा हूँ। तो प्रोफाइल सेटअप करने के लिए आर्ली रेट आपको समझ में आ गया, ठीक है, आपके पास स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल समझ में। छोटा और काम, नई टैब खोलेंगे, इसको कॉपी करेंगे कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
एक और पॉइंट में जरा एम्फसाइज करना चाहता हूँ, अब आप खाली पेस्ट कर दें, गूगल पे जाएगा ये, थोड़ा स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, ओके। इसका अपवर्क जो है, मैं पॉइंट ये, मैं यहाँ पे ये एम्फसाइज कराना चाहता हूँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, इस कीवर्ड को नहीं उठाया, पर एन मुमकिन है और मैंने देखा है, और मैं आपको अपनी जब स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, जरा टाइम कंज्यूमिंग, अगर आपकी प्रोफाइल सही ऑप्टिमाइज्ड हो ना, कुछ कीवर्ड्स हैं जो गूगल के टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स पे भी नजर आ रहे होते हैं। अच्छा बाप, इसलिए यू शुड नॉट लूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल। एन मुमकिन है अगर खाली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिखे ना, कस्टम हटा दे, तो शायद अपवर्क नजर आ जाए। कैन वी डू दिस फॉर अ सेकंड इरफान, सिर्फ एक सेकंड के लिए कस्टम निकाल दें यहां से। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को चांस दें कि जहां पे लोग सर्च कर रहे हो, अब ये देखो पर क्रोसेरा होके गया है वहां पे, अच्छा और नीचे ये देखिए क्रोसेरा ऊपर हो गया, और नीचे नहीं है अभी, और कीवर्ड्स होंगे जिसको हम बाद में देख लेंगे। सो ऑप्टिमाइज प्रोफाइल का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही प्रोफाइल एन मुमकिन है गूगल पे भी उस कीवर्ड पे आप रैंक हो जाए, जो क्लिक करके आपकी प्रोफाइल पे चला जाता है। और नॉट जस्ट इन टाइटल, आप डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड यूज करते हैं। लेट मी टेल यू कि एक और चीज जो मैं आपको साथ साथ बता जाऊं, कि ये प्रोफाइल हमने बनाई हुई है, जिस प्रोफाइल पे मेरे खड़ा, हम लोग यहाँ पे बिडिंग्स बहुत कम करते हैं। हमने प्रिसाइसली ये देखना होता है, जब आप फॉर एग्जांपल, मैं क्या देखता हूँ कि मेरे जो टारगेटेड क्लाइंट हैं, मैं आपको एक और भी साथ में साइंस बताता जाता हूँ। अपवर्क पे बिड करने से पहले मैं लिंक्डइन यूज करता हूँ, मेरी टीम डाटा स्क्रैपिंग करती है, डाटा गैदरिंग करती है, लिस्टिंग होती है, तब हम अपवर्क से जाते हैं। नो दैट, मैं देखता हूं कि मेरे लोग जो हैं, मेरी नीश के लोग जो हैं, वो क्या मांग रहे हैं, मुझे उस तरह से खुद को दिखाना पड़ता है उनको। लेकिन अभी आपकी नीश एस्टैब्लिश नहीं होगी, इनिशियली आपके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एसईओ ऑप्टिमाइज कीवर्ड डालें, डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त भी उनका ख्याल रखें, टाइटल रखते वक्त भी उनका ख्याल रखें, ठीक है, और अवेलेबिलिटी को भी शो करें ताकि सर्च में आप रैंक हो। तो ये ऑप्टिमाइजेशन करने से आपको ज्यादा, आपको दो तरह कहते हैं सर्च, आप दो तरह से होते हो, एक उस वक्त जब क्लाइंट आता है जॉब पोस्ट करने लगता है और अपवर्क आपको उठा के ले जाता है, उसके सामने करता है विद इन अपवर्क। एक होता है कोई बंदा ख्वाम खा आके सर्च कर रहा होता है, आपका एक लिंक अपवर्क का शो होता है, वो उस पर क्लिक करता है और आपको कहता है अच्छा इसको तो अपवर्क पर भी काम देना पड़ेगा, फिर वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करके आपको हायर कर लेता है। दो तरह से आपको ढूंढा जा सकता है, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आपके अपवर्क की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी के अंदर जो टैग्स लगे हैं वो एंड में हैशटैग डालने की ऑप्शन जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होंगे वहां आएगी, वो विजिबल नहीं होती, लेकिन वहां पे आपसे हैशटैग मांगेगा वो, और हैशटैग डालने के बावजूद इसके अंदर भी आपने लिखना, फॉर एग्जांपल मैंने EMR EHR लिखा हुआ है, प्रिसाइसली टेली मेडिसिन लिखा हुआ है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखा हुआ है, ये मेरे वर्ड्स हैं, मुझे यहां चाहिए। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, लेट्स से कि US में था शायद हमारा, US पे मैं टेलीमेडिसिन ऐप पे ऑटोमेटिकली जो है वो पहले नंबर पे चला गया था। जब तक मैं इसको एक्टिवेट रखा हुआ था अपने प्रोफाइल को, और ये अपवर्क का प्रोफाइल मेरे में चला गया था, मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है सारी एसईओ को Zaven सॉल्यूशन के साथ, तो मैं वो कीवर्ड यूज करता हूं यहाँ पे जो मुझे चाहिए, जो मेरी नीश है। आप लोगों को अभी अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है बाय द वे, ठीक है, जिन्होंने स्किल सेट नहीं बनाया तो आप उस हिसाब से जाओगे। तो हमने कीवर्ड यहां डाल दिए, उसके साथ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, यहाँ पे अपने एजुकेशन डाली सारी, और ये आपका एजेंसी प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने एजेंसी प्रोफाइल बनाया वो अभी प्रेजेंटेशन में वापस जाएंगे तो हम कवर करेंगे। प्रोफाइल सेटिंग में मैं जानना चाहता था आपकी, क्योंकि जब आप क्रिएट कर रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रोफाइल सेटिंग्स है।